हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर पार्थ घोष सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। पार्थ घोष ने 1991 में आई मूवी 100 डेज से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, लक्ष्मीकांत और मनमोहन सेन शामिल थे। इस मूवी का बजट 95 लाख रहा। भारत में कमाई 3,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1992 में पार्थ घोष की मूवी आई दिल ने इकरार किया। इस मूवी के लीड कास्ट में रवि वहेल, सुवर्णा आनंद, रीति बहादुरी, शक्ति कपूर और आलोक नाथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 85 लाख रहा। भारत में कमाई 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 52 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल पार्थ घोष की एक और मूवी आई गीत। इस मूवी के लीड कास्ट में दिव्या भारती, अविनाश बदावन और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 85 लाख रहा। भारत में कमाई 55 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1993 में पार्थ घोष की मूवी आई कोहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अरमान कोहली, आयशा जुल्का, प्राण, टीनू आनंद, किरण कुमार और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 90 लाख रहा। भारत में कमाई 45 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 92 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पार्थ घोष की एक और मूवी आई दलाल। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, रवि वहेल और राज बब्बर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 5,70,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1994 में पार्थ घोष की मूवी आई तीसरा कौन। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, चंकी पांडे, राकेश बेदी, आलोक पालेकर और सतीश शाह शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,15,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,47,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1995 में पार्थ घोष की मूवी आई मेरा दामाद। इस मूवी के लीड कास्ट में फारूक शेख, जरीन बहाब, भगवान दादा, उत्पल दत्त और अशोक कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 75 लाख रहा। भारत में कमाई 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1996 में पार्थ घोष की मूवी आई अग्निसाक्षी। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला और रवि वहेल शामिल थे। इस मूवी का बजट 4,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 19,52,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 27,61,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1997 में पार्थ घोष की मूवी आई कौन सच्चा कौन झूठा। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, श्रीदेवी, सुरेश ओबेरॉय और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 73 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,27,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल पार्थ घोष की एक और मूवी आई जीवन युद्ध। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा, अतुल अग्निहोत्री, ममता कुलकर्णी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,33,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,37,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पार्थ घोष की 11वीं मूवी आई गुलाम ए मुस्तफा। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, रवीना टंडन, परेश रावल, अरुणा ईरानी और मोनिस बहेल शामिल थे। इस मूवी का बजट 5,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 8,81,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12,26,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1998 में पार्थ घोष की मूवी आई युग पुरुष। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला शामिल थे। इस मूवी का बजट 5,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,73,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,12,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल पार्थ घोष की एक और मूवी आई खोटे सिक्के। इस मूवी के लीड कास्ट में अतुल अग्निहोत्री, अयूब खान, मधु और करीना ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 70 लाख रहा। भारत में कमाई 19 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 34 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2002 में पार्थ घोष की मूवी आई मसीहा। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी और नम्रता शिरोडकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 4,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,15,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही।
2004 में पार्थो घोष की मूवी आई सूर्या। इस मूवी के लेट कास्ट में बुलंद सोमन, किरण कुमार, अमरीश पुरी और राहुल देव शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 20 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2005 में पार्थो घोष की मूवी आई सितम। इस मूवी के लेट कास्ट में किरण जंजानी, तारा शर्मा, नवनीत कौर और अवतार गिल शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 60 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पार्थो घोष की एक और मूवी आई चितना। इस मूवी के लीड कास्ट में जतिन गिरेवार, नवनीत कौर और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 20 लाख रहा। भारत में कमाई 21 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 25 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2007 में पार्थो घोष की मूवी आई मिस्टर हॉट मिस्टर कूल। इस मूवी के लीड कास्ट में किशोर आनंद, मुश्ताक खान और शाहबाज खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 90 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 70 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2009 में पार्थो घोष की मूवी आई मेरी लाइफ में उसकी वाइफ। इस मूवी के लीड कास्ट में जतिन गरेवाल, हैना तस्लीम और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 20 लाख रहा। भारत में कमाई 45 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 92 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2010 में पार्थो घोष की मूवी आई एक सेकंड जो जिंदगी बदल दे। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, मनीषा कुराला, निकिता आनंद और मोहम्मद राणा शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 31 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 44 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2018 में पार्थो घोष की मूवी आई मौसम इकरार के दो पल। इस मूवी के लीड कास्ट में मुकेश भारती और अविनाश बदावन शामिल थे। इस मूवी का बजट 5 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 3 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2019 में पार्थो घोष की मूवी आई दोस्ती जिंदाबाद। इस मूवी के लीड कास्ट में देव शर्मा, राहुल चौधरी, सिद्धार्थ शर्मा, शक्ति कपूर, मोहन जोशी और अयूब खान शामिल थे। इस मूवी का बजट तो मालूम नहीं हो सका। भारत में कमाई 2 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। और यही अब तक की पार्थो घोष सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको पार्थो घोष सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।